Hi guys, welcome to Desi Lifestyle in Europe. जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम फुरकान है और मैं पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ. मैं पिछले 12 साल से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में हूँ और मैंने मुख्तलिफ डिसिप्लिन यानी मुख्तलिफ इंजीनियरिंग की फील्ड में काम किया हुआ है. बेसिकली मैं प्रोसेस इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर और कमिश्निंग इंजीनियर के तौर पर भी काम किया हुआ है. मैं पहले ये दो वीडियो बना चुका हूँ और वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई और इसकी वजह से आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी बहुत से क्वेश्चन लिखे, तो वही क्वेश्चंस बार बार आते थे. तो मैंने ये सोचा कि इसकी एक वीडियो बनाई जाए ताकि कई लोग और होंगे जो कि वही क्वेश्चन के बारे में सोच रहे होंगे. तो मैंने कहा सबको बताने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो बना लूँ जिसमें कि डिटेल से मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं. तो ये किस्म की क्यू एंड ए व्लॉग है यानी पेट्रोलियम रिलेटेड. तो फिर शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, पेट्रोलियम इंजीनियर्स कितने टाइप्स के होते हैं? ये तो मैं अपनी इस वीडियो में भी डिटेल से बता चुका हूँ कि पेट्रोलियम इंजीनियर्स कई किस्म के होते हैं. तो बेसिकली उनमें अगर आप उनको डिफ्रेंशिएट कर लें तो वो इसमें कंप्लीशन इंजीनियर्स, ड्रिलिंग इंजीनियर्स, प्रोडक्शन इंजीनियर्स और रिजर्वायर इंजीनियर्स. Question number two. Duties of petroleum engineers. Petroleum engineers typically duty होती है डिटेल से प्लान बनाना ऑयल एंड गैस फील्ड्स को और ड्रिल करने के लिए और फिर रिकवर करना हाइड्रोकार्बन को. और उनकी ड्यूटी में ये भी शामिल है कि कैसे मुख्तलिफ चीज़ें इंजेक्ट की जाएँ रिजर्वॉयर में और ऑयल एंड गैस निकाला जाए, जैसे कि पानी, केमिकल या गैस इंजेक्ट करते हैं या फिर इन सब की कम्बिनेशन इस तरीके से कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल एंड गैस निकल सके, क्योंकि उनको प्रेशर की ज़रूरत होती है निकालने के लिए. और उनकी ड्यूटी में ये भी शामिल है कि सारे जो ऑयल एंड गैस के इक्विपमेंट है उनको डिज़ाइन करना. जब ऑयल एंड गैस ऊपर आ जाता है तो वो एक फील्ड में होता है, चाहे वो प्लेटफॉर्म में हो चाहे वो रिफाइनरी में हो. तो वहाँ पर बहुत से इक्विपमेंट होते हैं, तो उन सब इक्विपमेंट की इंटीग्रिटी का अच्छे से ध्यान रखना कि सब कुछ सही इंस्टॉल्ड है, ऑपरेट सही तरीके से हो रहा है और उसकी मेंटेनेंस जो है वो सही टाइम पे की जाए. और फिर ये भी है कि आपने एवलुएट करना होता है वो प्रोडक्शन वेल्स में प्रोडक्शन कैसी जा रही है, तो उसके लिए आपको सर्वे करना होता है और मुख्तलिफ टेस्टिंग करनी होती है और फिर वो उसको एनालिसिस करके आपने देखना होता है कि इसकी प्रोडक्शन कैसी जा रही है. तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. वेयर इज ईजीएस्ट टू गेट जॉब? देखें, दुनिया के टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसर्स 2020 में जो हैं वो हैं यूएसए, जिन्होंने जो सबसे नंबर वन पे आते हैं, उन्होंने 19.51 मिलियन बैरल पर डे में यानी प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिर उसके बाद आते हैं सऊदी अरब, फिर रशिया और कनाडा, चाइना और फिर ये ओपेक की कंट्रीज जो हैं इराक, ईरान वगैरह जो हैं, और यानी मिडल ईस्ट के ले नबाज हैं, और फिर जो है यूएई और ब्राज़ील. ये टॉप 10 तकरीबन कुछ ऐसे है. सो इन मुल्कों में तो हमेशा हाई डिमांड रहेगी अच्छे पेट्रोलियम इंजीनियर्स की, पर इसके अलावा यूरोप के बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पेट्रोलियम इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है, जैसे कि यूके, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, नॉर्वे. तो आप यहाँ पर भी यानी आपके चांस हैं काफ़ी अच्छे. फिर जो है अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में काम करना चाहते हैं तो उधर भी बहुत सी फॉरन ऑयल एंड गैस की कंपनीज हैं जहाँ उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आउटसोर्स की हुई है इंडिया और पाकिस्तान को. तो आप उन कंपनियों में भी कर सकते हैं, नहीं तो इंडिया पाकिस्तान की अपनी भी बहुत सी ऑयल की कंपनीज हैं जहाँ पे कि वो हायर करते हैं. तो चांस आपके बहुत ज़्यादा हैं. ये बहरहाल ये वाली कंट्रीज हैं जहाँ पे कि सबसे आसान है काम लेना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज पेट्रोलियम इंजीनियर्स की क्या होनी चाहिए? सो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सबसे पहले तो उनमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए. आपको नए नए चैलेंजेस आएंगे और आपको उसके हिसाब से क्रिएटिव डिज़ाइन बनाना पड़ेगा.
तो ये बहुत ज़रूरी है. फिर आपने एनालिटिक स्किल्स आप में होने चाहिए. आपको बहुत सी टेक्निकल इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो उसमें से डाटा को कंपाइल करके आपने कॉस्ट इफ़ेक्टिव और सेफ्टी को जेन में रख के प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट करना होगा. फिर टीम वर्क और कम्युनिकेशनल स्किल जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अक्सर एक प्रोजेक्ट की टीम होती है जिसमें लोग डिफरेंट कंट्रीज से मिलके काम करते हैं, और आपको उन सब के जो हैं डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, तो आपने एक अच्छे तरीके से आपस में मिल बैठ के टीम वर्क करना है, और आपकी कम्युनिकेशनल स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए. रादर अगर आप मल्टी लैंग्विस्टिक हैं या आपको बहुत सी लैंग्वेजेस आती हैं तो ये तो एक प्लस है, लेकिन इंग्लिश जो है बेसिकली वो आपको आनी चाहिए, और उससे आपके बहुत से रास्ते खुलेंगे. और इसके अलावा जो है ऑब्वियसली मैथ स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए. तो अगला सवाल, फ्यूचर ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग क्या है? ये क्वेश्चन मुझे कई लोगों ने पूछा है, क्योंकि वो जो हैं कई जो हैं स्टडी शुरू करना चाह रहे हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की, कई जो हैं शुरू कर चुके हैं, और कई जो हैं यानी अपनी स्टडी के एंड पे हैं, तो वही सोच रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि उनको बहुत से लोग डीमोटिवेट करते हैं, ये कहते हैं कि इसका आगे कोई स्कोप नहीं होगा. तो कैसे, यानी वो ये जानना चाहते हैं कि मेरी क्या राय है इस बारे में. ये समझने के लिए आपको दुनिया की एनर्जी कंसम्पशन को समझना पड़ेगा. देखें, इस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन 7.8 बिलियन है और आबादी स्टिल बढ़ रही है. पोल्यूशन वाइज अगर देखें तो फॉसिल एनर्जी में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कोल से होती है, उसके बाद ऑयल है, और फिर जो है गैस. कई कंट्रीज़ हैं अभी भी जहाँ पे कोयला जो है इस्तेमाल किया जाता है एज मेन एनर्जी सोर्स, और इससे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होती है, लेकिन वो फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सबसे सस्ता है. दुनिया में जो है इस वक्त स्टिल 38.5% एनर्जी कोल से ली जाती है. आयरन और स्टील की इंडस्ट्री जब तक है तब तक कोल जो है बहुत इस्तेमाल होता रहेगा, और क्योंकि मेन जो उसको एनर्जी सोर्स जो इसमें है वो कोल ही का होता है. तो और कोल से साथ ही एनर्जी जो है तब्दील की जाती है इलेक्ट्रिसिटी में भी. जो कई जो गरीब मुल्क हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कोल से तब्दील की जाती है. तो पहले तो ये कि हमने ये देखना है कि ओके, जब तक कोई हमारे पास बेटर अल्टरनेटिव नहीं आ जाता जो कि सस्ता हो, यानी कि ऐसे जैसे कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत फोकस किया जा रहा है, बहुत से हैं विंड मिल्स और सोलर पावर, इस पे जो है काफ़ी वो काम किया जा रहा है, लेकिन वो जो है इतनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, वो बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है कंपेयर टू ऑयल एंड गैस. तो इसीलिए जो है वो गरीब मुल्क के लिए ख़रीदना इस टाइम पे इम्पॉसिबल है. जब तक उसकी कीमत कम नहीं होगी वो नहीं चलेगा, और जब तक रिन्यूएबल एनर्जी कंपैरेटिव नहीं होती ऑयल एंड गैस के सामने, तब तक ऑयल एंड गैस जो है वो चलती रहेगी. ऑयल एनर्जी जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होती है इंडस्ट्रीज़ में और ट्रांसपोर्ट में. इलेक्ट्रिकल व्हीकल की वजह से ऑयल कंसम्पशन थोड़ी कम हो गई है, लेकिन वो जो है सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यूरोप में बहुत फोकस है इलेक्ट्रिक कार्स पे और इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट पे. तो लेकिन गरीब मुल्क स्टिल जो है अफोर्ड नहीं कर सकते. ये अभी भी गैस जो है मेन इस्तेमाल होती है रेसिडेंशियल एरियाज में. देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि फॉसिल एनर्जी जो है वो कोई एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी सोर्स नहीं है, और सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज पे बहुत दबाव है. बहुत से मुल्क इस पे कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑयल एंड गैस पे कम से कम डिपेंडेंट हों और ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए.
लेकिन ये भी हकीकत है कि रिन्यूएबल एनर्जी दुनिया की एनर्जी की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती, एटलीस्ट अगले 50 ईयर्स तक। अभी जो भी नए फील्ड डेवलप हो रहे हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है एटलीस्ट 30 ईयर्स होती है। देखें, ऑयल निकालने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है और आजकल जो है वो काफ़ी कह लें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं ऑयल को निकालने का। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पेट्रोलियम फ्यूल के अलावा हमारी मॉडर्न लाइफ में और भी कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, यहाँ तक कि फूड में भी इस्तेमाल होता है, जो कैंडीज वगैरह, चिप्स वगैरह, इसमें पेट्रोलियम काफ़ी इस्तेमाल होता है। दूसरी ये कि अभी अगर सब ये सोचना शुरू होंगे कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का इतना स्कोप नहीं है तो लोग आस्ता वो स्टडी करना कम कर देंगे, जिसकी वजह से पेट्रोलियम इंजीनियर्स की डिमांड और ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो अगर पेट्रोलियम इंजीनियर्स लोग कम बनेंगे तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी आगे, तो ये भी एक जहन में रखें। तीसरा ये कि अगर आप एक अच्छे पेट्रोलियम इंजीनियर हैं ना, तो आपको आपकी डिमांड हमेशा, अगर ऑयल एंड गैस ख़त्म भी हो जाए ना, तो आपकी डिमांड हमेशा रहेगी। आप इजीली स्विच ओवर कर सकते हैं किसी और इंजीनियरिंग फील्ड में। आप यहाँ तक अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियर में प्रोसेस इंजीनियर हैं तो आप फूड इंजीनियरिंग में जा सकते हैं एज ए प्रोसेस इंजीनियर। आपको स्विच ओवर करने में सिर्फ जो है स्टैंडर्ड्स मुख्तलिफ होंगे, बाकी सोचने का तरीका, आपकी स्किल्स वही के वही होंगे। तो आपको इस चीज़ में वो नहीं सोचने की ज़रूरत कि ओ मैंने इतनी बड़ी इंजीनियरिंग की स्टडी की है और वो सारी ज़ाया हो गई। कभी भी आप एक आपके स्किल्स, आपके हुनर ज़ाया नहीं जाते, ये याद रखें। तो आप जो भी पढ़ेंगे, अगर आप दिल से पढ़ेंगे और अगर आप यानी उसमें काफ़ी अच्छे मेहनत करेंगे और अच्छे इंजीनियर बनेंगे, तो आपकी डिमांड हर जगह होगी, ये याद रखें। आपको ये बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जनरेशन, तो क्या उससे अगली जनरेशन भी ऑयल एंड गैस पे डिपेंडेंट रहेगी? सो एटलीस्ट कह लें 50 to 80-90 ईयर्स एटलीस्ट हम ऑयल एंड गैस पे डिपेंडेंट रहेंगे। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन, लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो है सैलरी कितनी होती है जी, पेट्रोलियम इंजीनियर्स की सैलरी कितनी होती है? वेल, आप इंजीनियर हैं तो सैलरी तो अच्छी होगी। ये जो है, देखें, ये जो है ये डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ों पे, आपकी एजुकेशन पे, यानी कि आपने बैचलर्स की हुई है, मास्टर्स की हुई है, पीएचडी की हुई है, आपके एक्सपीरियंस पे, किस कंट्री में काम करते हैं आप, बल्कि किस शहर में भी काम करते हैं उस पर भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है आपकी सैलरी पे, और फिर किस कंपनी का नाम क्या है, यानी कंपनी कौन सी, इंटरनेशनल कंपनी है, लोकल कंपनी है, इस पर भी बहुत है, बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, और ये भी कि आपका काम किस तरह का है, आप फील्ड में जाते हैं या नहीं, आप ऑफिस में बैठते हैं, आपकी ट्रैवलिंग बहुत सी है या नहीं, आपकी पोजिशन कौन सी है उसमें, और ज़ाहरी बात है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपकी एबिलिटी क्या है। अगर आप दिखा सकते हैं शॉर्ट टाइम में कि आप में बहुत अच्छी एबिलिटीज़ हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, आपने बहुत से जो के प्रोजेक्ट हैं बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से और सेफ्टी को जहन में रख के, तो आपको आपकी डिमांड हमेशा होगी, हमेशा, याद रखें। आपको पैसे जो हैं, जितनी आपकी डिमांड होगी आपके पैसे उतने ही ज़्यादा होंगे। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि यानी एवरेज क्या होती है, तो देखें स्टार्टिंग में अगर आपने बैचलर्स की हुई है और आप यूरोप में या किसी वेस्टर्न कंट्री में काम कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग आपकी होगी अराउंड $50,000 साल की तनख्वाह, और इसमें प्लस माइनस ऑफ कोर्स और चीज़ें, बोनस और ये चीज़ें। सो बाकी जो है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद आप कितनी तरक्की करें, कई लोग 10 साल के बाद भी 50 से सिर्फ कह लें शायद 80,000 तक पहुंचते हैं,
$80,000 10 सालों के एक्सपीरियंस के बाद. अगर आपकी एबिलिटी अच्छी है आपको ऑफर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी जिससे कि आप अपनी सैलरी यानी आपको वो बिट करेंगे आपके लिए कि आप कोई कहेगा कोई कंपनी कहेगी हम इतने पैसे देते हैं दूसरी कहेगी हम इतने देते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा सकते हैं. सो इसमें जो है मैं आपको बताऊं इसका इज़ द लिमिट. आप आपका हुनर जो है वो सिर्फ बताएगा कि आप मैक्सिमम कितनी होगी तो इसका मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं. वेल दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस सेशन. अभी जो हमारा क्यू एंड ए का सेशन है ख़त्म हुआ. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये अच्छी लगी है और मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डू इट नाउ क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा. लेकिन हो सकता है कि आपको मेरी कोई टिप्स से आपकी आपका फ्यूचर बने और आप बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा सकें आगे. सो विन विन सिचुएशन है. सो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग. टेक केयर टिल देन बाय.